और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की उत्तर प्रदेश की टॉप 10 खबरों के साथ। सीबीएसई ने जारी की बोर्ड एग्जाम की डेट शीट, 15 फरवरी से 2 अप्रैल 2024 तक होंगे 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स। दिल्ली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पीएम मोदी से की मुलाकात, 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर दी बधाई। सर्दियों में यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, 16 दिसंबर से एसी बसों में सस्ता होगा सफर, 10% किराया होगा कम, 28 फरवरी तक कम किराए पर हो सकेगी यात्रा। यूपी के आयुष कॉलेजों में फर्जी दाखिलों के मामले में ईडी का एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, 7 महीने से चल रही थी फर्जीवाड़े की जांच, आरोपियों की संपत्ति भी होगी जब्त। इटावा के जिला अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों को ले जाने की शिकायत, एडीएम और एसडीएम और तहसीलदार के साथ की संयुक्त छापेमारी, 7 प्राइवेट एम्बुलेंस सीज। मऊ में घर के बाहर टहलते हुए लेखपाल पर बाइक सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। एएमयू कैंपस में पैगंबर पर टिप्पणी करने वाले छात्र पर एफआईआर दर्ज, प्रिंसिपल ने आरोपी छात्र को किया सस्पेंड, प्रॉक्टर ने बैठाई जांच। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल लूट को अंजाम देने वाला जमील खान उर्फ भोपा गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान पुलिस पर की थी फायरिंग, मुठभेड़ में हुआ घायल। अलीगढ़ में कसाई खानों से आ रही बदबू पर बजरंग दल का जोरदार प्रदर्शन, अल्टीमेटम के बाद भी कार्रवाई न होने से सड़क किया जाम, प्रशासन की तरफ से फिर मिला भरोसा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य तैयारी, राम भक्तों के लिए 36 केंद्रों पर होगी भोजन की व्यवस्था, असम से पहुंची 50 क्विंटल मसाले की पहली खेप।